नाम जानना चाहेंगे। नाम राजीव यादव है जी, बताइए। विश्व शिक्षा कल्याण समिति का प्रदेश महामंत्री जी। मेरे साथी आज भुखमरी के करार पर पहुंच गए हैं, हमारे विद्यालय खोले नहीं गए हैं। अगर विद्यालय और समय तक नहीं खोले तो हमारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोल दिए जाए। हम पूरी तत्परता से पूरे नियम कायदों को मानते हुए स्कूलों का संचालन करेंगे। सरकार अपने नियम हमें बता दे किस नियम के तहत और कौन कौन से जो सरकार के आदेश हैं उनके तहत हम अपने स्कूलों को संचालन करेंगे। सरकार ज़्यादा विलम्ब न करे, हम ये चाहते हैं कि इसी 16 तारीख से हमारे भी विद्यालय खोलने की अनुमति सरकार दे, जिससे हम लोगों की जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जो भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है, जो स्कूल संचालक और उनके साथ कर्मचारियों का जो संकट खड़ा हो गया है, उन्हें जीवन जीने की एक जो लालसा है वो पैदा हो जाए, नहीं तो लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। हम जानना चाहेंगे और आज ये BSA ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? सर्वेश पाठक नाम है जी। BSA शिक्षा कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ अपने साथियों के साथ उपस्थित हुआ हूँ जी। काफ़ी समय से, लगभग 2 साल से प्राइवेट स्कूल कक्षा 1 से 8 तक के कोरोना काल के चक्कर में बंद पड़े हुए हैं। सरकार ने सभी चीज़ें खोल दी हैं, मॉल से लेकर और भी सब जितने भी बाजारें हैं, हाट हैं, सब खोल दिए गए हैं। सरकार चुनाव करा रही है, प्रधानी के चुनाव हो गए, BDC के चुनाव हो गए, जिला पंचायत के चुनाव हो गए, उसके लिए सबके लिए कोरोना है। और हमारे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कोरोना है, इनके लिए कोरोना नहीं है। इसी रोष व्यक्त करते हुए हमारे देश शिक्षा कल्याण समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम जिला बेस शिक्षा अधिकारी बरेली के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेज रहे हैं, उसमें ये हम मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल बहुत जल्दी से जल्दी खोले जाएं। और पूरे प्रदेश में आज यहीं बरेली में ही नहीं, हमारे जो शिक्षा कल्याण समिति के जितने पदाधिकारी अन्य जिलों में भी हैं, अन्य जिलों में भी शिक्षा कल्याण समिति के माध्यम से, BSA के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। शेष बात हमारे प्रदेश महामंत्री राजीव यादव जी आपको बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राशि पाराचरी है। जैसा कि विदित है कि सारी चीज़ें खुल रही हैं तो स्कूल क्यों नहीं है? भाई शराब के ठेके खुल रहे हैं, मार्केट खुल रही है, मॉल खुल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो स्कूलों को खोलने में क्या समस्या आ रही है, यही हम जानना भी चाहते हैं। और आज इसी को लेकर हम लोग यहाँ बेसिक शिक्षा कार्यालय पर एकत्र हुए हैं और यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि तत्काल स्कूल खोले जाएँ।